मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गरीबों को बड़ी सौगात दिए जाने की शुरुआत टीकमगढ़ से की। भू अधिकार पत्र योजना के तहत 34 गरीब हितग्राहियों को 600 स्क्वायर फीट का भूखंड शिवराज सिंह ने प्रदान किया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गरीबों को एक बड़ी सौगात देते हुए टीकमगढ़ की सिद्धपीठ बगाज माता मंदिर से भू अधिकार पत्र योजना उन गरीबों के लिए शुरू की जो भूमिहीन है। इस दौरान उन्होंने 34 हितग्राहियों को अधिकार पत्र दिए और अधिकारियों को निर्देश दिए कि इनके भूखंड पर सभी प्रकार की सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए। यह योजना मध्य प्रदेश के उन गरीब लोगों के लिए शुरू कर दी गई है जो भूमिहीन है। इसके तहत 600 स्क्वायर फीट का भूखंड गरीबों को दिया जाएगा और प्रधानमंत्री आवास योजना और मुख्यमंत्री योजना के अंतर्गत गरीबों के आवास का निर्माण किया जाएगा। यहीं से करोड़ों रुपए की लागत से एक जल योजना का शुभारंभ किया जाएगा जो आसपास के सैकड़ों गांव में ग्रामीणों को शुद्ध पानी पहुंचाने का काम किया जाएगा। जन समूह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री शिवराज ने अपनी सरकार की नीतियों से जनता को वाकिफ कराया। टीकमगढ़ जिले से जो समस्या मैंने देखी थी हथेरी गाँव से, हाँ, मुझे कई भाई बहनों ने रोक के ये बताया था कि रहने की जगह हमारे घर में नहीं है, क्योंकि एक घर में बहुत सदस्य हो गए, कई पीढ़ियों पहले के मकान है पूर्वजों के, और तब मुख्यमंत्री भू आवासीय अधिकार योजना बनाई और मैंने तय किया कि टीकमगढ़ से ही उसको लागू करेंगे। 10,500 से ज्यादा भाई बहनों को आज जमीन के पट्टे प्रदान ये गए हैं, मतलब जमीन उनको दी गई है और अब वो अपनी जमीन पर रह सकेंगे। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज़ आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।